काम ऐसा करो कि भाई साहब इतिहास रच जाए। गाइज बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है आमेर फोर्ट एंड लाइक इनकी बाउंड्रीज देखो यार, मेरी हाइट से कितनी ज़्यादा बड़ी, मतलब लाइक बाउंड्रीज, मतलब यार मैंने इतनी हाइट वाली बाउंड्रीज का कोई फोर्ट आज तक विजिट नहीं करा है। इवन यार मैं जोधपुर के बहुत पास में रहती हूँ बट आई हैव नेवर विजिटेड मेहरानगढ़ फोर्ट। आई हैव टू विजिट दैट। यार जोधपुर ज़्यादा तो हर बार शॉपिंग वगैरह करके आ जाते हैं बट कभी टाइम ही नहीं मिलता विजिटिंग करने का। एंड सामने की तरफ में बाउंड्रीज वगैरह और है बड़ी बड़ी एकदम, लाइक बहुत बड़ा किंगडम टाइप्स बना रखा है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द, यहाँ से थोड़ा सा व्यू आ रहा है खिड़की के होल में से, वो बताती हूँ। ये देखो देखो दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। मतलब यार लाइफ तो जीते थे पुराने लोग यार, मतलब उन लोगों ने ये चीज़ प्रेजेंट में जी है, मतलब आज जाके वो चीज़ हिस्ट्री बन गई है। मतलब यार लाइफ जी है यार पुराने ज़माने वाले लोगों ने। एंड उन्होंने सोचो यार, सच में यार ने प्रेजेंट में इतनी लेविश लाइफ जी है, इतना बड़ा एरिया, इतना वाइड एरिया यार, सही में यार इतना बड़ा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड सोचो यार ये इतना इतनी बड़ी चीज़ है और ये सही में, और मतलब काम ऐसा करो कि भाई साहब इतिहास रच जाए। ये देखो ये एंट्रेंस का है पूरा, इधर देखो गाइस सामने से अलग ही है सीन, इधर 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 राइट साइड में इधर कोई चलने की जगह है, यहाँ पे अभी हम लोग करंटली यहाँ पे जा रहे हैं, ये भी कोई है जाने का, धूप आ रही है वैसे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे दो वे है जाने के, एक तो है कि आप गाड़ी से ऊपर आ सकते हो, एक ये है कि नीचे से पूरा पैदल चल के ऊपर आना पड़ता है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा थकान वाला काम हो जाता है, इसलिए हम लोग कार से आए ऊपर। गाइस यहाँ पे एंट्री फी भी लगेगी एंड फिर देन इसके बाद में यहाँ का व्यूज ऑल्सो और बहुत सही। कितनी फ़ी है मैं पूछ के बताती हूँ एक मिनट। एक्चुअली आई हैव माई डी एस एल आर विद मी। फ़ी कितनी थी बताना, फ़ी कितनी थी? 20 रुपीज़ स्टूडेंट अडल्ट, 100 रुपीज़ अडल्ट, तो 3 अडल्ट 1 मैथ स्टूडेंट। तो फीस बता देती हूँ, देखो 320 रुपये के हिसाब से हम चार जन 300 रुपीज़ हैं यहाँ पे, देख लो बहुत बहुत वाइट है, बाकी बहुत ही बढ़िया जगह है यार ये तो, ऑसम है। इसके हिस्ट्री के बारे में मेरे को नहीं पता, बाकी है ना यूनेस्को ने आमेर फोर्ट को है ना क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या कहते हैं जो भी होता है वो, इसको वो करा है, घोषित करा है। सो उस हिसाब मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। एंड ये कौन से रूलर ने बनाए थे तो मेरे को नहीं पता, बाकी एक रूलर थे क्या कहते हैं चंदा डायनेस्टी ऑफ मीणास के, उन्होंने ये फोर्ट बनाया था। ये थोड़ा सा जो मुगल एम्परर वालों का जो थोड़ा डिज़ाइन था उससे थोड़ा सा सिमिलर है। एंड या ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, तो इट इज़ जयपुर में है, थोड़ा सा देख लो पता, बाकी इट इज़ मेड विथ येलो पिंक एंड रेड सैंडस्टोन्स। और हाँ विकीपीडिया पे और देख लेना, मैंने उससे ही पढ़ा है थोड़ा सा। सो यस दीवान है आप राजा का मुख्य दरबार रख था, जब अपने प्रजा समारोह अधिकारी वर्ग से मिलते थे, इसकी बनावट मुगलकालीन महलों से मिलती जुलती है। विशेष अवसर या विजयोत्सव दशहरा जन्म दिवस और आदि पर शाही समारोह यहीं मनाए जाते थे। दीवान ए आम ये था यहाँ का हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, मतलब यहाँ पे पार्टी वार्टी मनाई जाती थी नॉर्मल भाषा में बोले तो। महाराज सवाई राम सिंह कन्वर्टेड द रेयर पोर्शन ऑफ द हॉल इनटू अ विलर्ड रूम एंड
या किसने बनाया इतना लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में. राजा मान सिंह ने बनाया नहीं इन रेड स्टोन एंड मार्बल. वो जो मेरे घर वाले कहाँ से गए. हाँ यहाँ पे फोटोज़ खिंचवाएंगे और बहुत सी फोटोज़ आती है. स्ट्रक्चर इसका इतना अच्छा है ना. इट इज़ वेरी यूनिक एंड यू नो वेरी नाइस एंड यूनिक. ये देखो भाई साहब ये है ऊपर की तरफ से पूरा बहुत हाइट पे है यार. ये तो फोर्ट्स वगैरह कितने हाइट पे होते थे यार. सही में यार लाविश लाइफ जिए भाई साहब इन लोगों ने. यहाँ पे तो फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी यार DSLR से. मैं लाई इसलिए हूँ वहाँ से यहाँ तक. ये देखो गाइस ये है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है. यहाँ से सीन है ये पूरा. फ्रंट की साइड में स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये पूरा पानी पानी है मतलब. एंड ये बीच में पता नहीं गार्डन टाइप्स क्या क्या बना हुआ है यार. ये घर पे जाके सर्च करके मैं बताती हूँ होटल में जाके मतलब. बाकी बहुत सही चीज़ बनी हुई है. नीचे वैसे कार्स वगैरह चल रहे हैं जिनको ऊपर चलने में दिक्कत आ रही है वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई. बहुत ज़्यादा हाइट है यार. मोबाइल से पता ही नहीं चल रहा कुछ भी. लेविश स्ट्रक्चर बना रखे हैं भाई साहब. ये देखो गाइस यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा गार्डन बना हुआ है भाई साहब. बहुत बहुत ज़्यादा वाइड स्ट्रक्चर है भाई. राजा लोग इतने का करते क्या थे. मैं तो अपने कमरे से हॉल तक जाती उतने में उसमें जोर आता है. और ये तो खतरनाक स्ट्रक्चर है. पूरा मार्बल और कांच है यार ये तो. वाह यार गुजुब है यार इस स्ट्रक्चर के अंदर से एकदम. भाई यहाँ पे हमने मिरर से फ़ोटो ली है. ओहो यार पता नहीं यार कैसे मिरर से. जैसे अपन घर पे मिरर सेल्फी नहीं लेते उस टाइप से हमने लिया. मैं वो फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी. बहुत ही सही फ़ोटो आई है. फ़ोटो सही आई है कि नहीं आई बाकी तरीका बहुत ही सही लगा. बाकी जो स्ट्रक्चर है सो मतलब बारीक बारीक इतना वाइड और इतना बारीक स्ट्रक्चर है. ओहो मज़ा आ गया ऐसा. ये ऊपर जाने का रास्ता आगे. तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है यार द डोम लाइक स्ट्रक्चर. आई लाइक लोग करते क्या थे यार इतनी सारी जगह. हाँ भाई यहाँ तो घूम जाए कोई भी. यहाँ से देखो गाइस भाई साहब यार इतना सुंदर कोई चीज कैसे हो सकती है यार. सही बात है यार. कितने लोगों को लगाया होगा काम करने का तो जाके बनाऊंगा. कितना पैसा कितना लगाया यार. ओ भाई तो यहाँ पे इतनी सारी गलियां हैं इतनी सारे यार रूम्स इतनी सारी चीज गजब यार. सही है यार. यहाँ पे तुलसी लगी हुई है. यहाँ बीच बीच में काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं इन्फॉर्मेटिव. तो यार यहाँ पे विजिट करना यार तो बहुत सही जगह है. वैसे तो मैंने विजिट करवा दिया जितना हो सके उतना सारा. सही है यार. यहाँ पे तो भाई कितनी पार्टी करा लो यार. यार यहाँ पे जो बच्चे लोग होते होंगे खेलने के लिए कितनी सारी जगह होती होगी ना. बढ़िया यार क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस सब खेल लो यार यहाँ पे तो. बहुत सही जगह यार. रह नहीं सकते क्या. जस्ट कडिंग है. जस्ट कडिंग ऑफ कोर्स. कितनी मेहनत करके बनाया है यार. ये पेंटेड थोड़ी है तो सैंड स्टोन ही है. डायरेक्ट स्टोन का ही कलर ऐसा ही है शायद. या निकास एग्जिट. निकास एग्जिट. ओहो क्या राइट है क्या.
था क्या खाना? सही है यार, कढ़ाई तो ये गरम कैसे करते थे भाई साहब इसको? ये नटराजन या एम आई राइट? आई डोंट नो। राजस्थान में आओ और यहाँ पर कठपुतली डांस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पपेट डांस यहाँ पे होता ही है, चाहे जयपुर या उदयपुर या जोधपुर या जयपुर में जाओ, सब जगह रहता है। फैसिनेटिंग कितना बारीकी से काम हुआ है, वाओ ब्यूटीफुल। चांदपोल दरवाज़ा आमेर, अरे पता है चांदपोल यहाँ पे एक स्टेशन है गाइस, मेट्रो स्टेशन चांदपोल जगह का नाम है। हाँ, यहाँ पे जयपुर में क्या लिखा है, चांदपोल और द मून गेट वॉज द मेन गेट ऑफ द एंट्री फॉर द कॉमनर्स। अच्छा यही है क्या चांदपोल, द मेन गेट फॉर द क्या लिखा है कॉमनर्स। एंड ये देखो वो सामने का व्यू, वहाँ से ये ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता जाता है। द अपर स्टोरी ऑफ द गेट इज कॉल्ड एज द नौबत खाना। हाँ, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। इट हाउस द कैटल ड्रम्स एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नौबत वॉज अ टाइप ऑफ म्यूजिक विच हैड इट्स ओन स्पेसिफिक प्रोटोकॉल दैट हैड टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड वैन इट वॉज प्लेड विद। द लिसनर्स वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन साइलेंट। इट इज बिलीव्ड दैट ट्रेडिशन ऑफ प्लेइंग द नौबत डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। गोइंग बैक गाइज, गोइंग बैक डाउन स्टेयर्स से कहेंगे क्या? जैसे ही इतनी हाइट पे ना ऑरेंज ऑरेंज, वैसे ही माउंट आबू में ना गुरु शिखर है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे। कभी माउंट आबू जाएंगे तो मैं आई रिकॉर्ड इट, मैं 4-5 बार गई हूँ माउंट आबू। सो यस जिप्सी गाइज, अभी फेमस चल रहा है ना बहुत ज़्यादा।